हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो चलिए आज मैं आप लोगों को प्रोफेशनल लेयर हेयर कट को भी बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताने वाली हूँ, ताकि आप आसानी से सारा प्रोसेस सीख सकें। हेयर कट का फाइनल लुक यहाँ पे लगा दी हूँ, कैसा लग रहा है कॉमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसके पहले मैं आपको इनका फाइन जो विदाउट कटिंग लुक है वो दिखा देती हूँ। ये है इनका फेस लुक, साथ में हेयर का लेंथ भी दिखा देती हूँ। हेयर को हाफ हाफ डिवाइड करते हुए सामने की तरफ लेके आना है। लेंथ को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने कितना कितना कट किया होगा इनके बालों को। तो अच्छा सा लुक देने के लिए, अच्छे स्टेप्स ऐड करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेंथ शॉर्ट करें। लाइव हेयर कट आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि कम कम कटिंग करके भी बहुत ही सुंदर लुक आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पार्ट से हेयर को लेना है, ठीक है। सेंटर पार्ट से हेयर को लेंगे और इसे चिन से 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आप इसको कट कर दें। बहुत अगर शॉर्ट चाहिए किसी को लुक, तो आप इसको चिन से थोड़ा सा बस नीचे रख के कट करेंगे, बट मुझे लेंथ बचानी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग रखते हुए कट करी। हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में जो हेयर बचे थे साइड में, उनको भी मिलाते हुए सामने की तरफ लेके आना है, इक्वल कट कर देना है। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट सेक्शन आप डिवाइड करोगे वो कान के जस्ट सामने से होना चाहिए। आप अच्छे से जो पार्टिंग है उसको मिला लेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कटिंग का लुक भी आगे पीछे लेयर्स भी दिखेंगे, वो एक जैसे नहीं दिखेंगे। ये देख सकते हैं इक्वल इक्वल कट कर दी हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन डन हो चुका है। इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे ताकि फेस पे बाल ना आए। अब पीछे वाले हेयर को आप देख लेंगे, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेक्शन डिवाइड करोगे, अगर मीडियम है तो आप 3 सेक्शन तो डिवाइड करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे हेयर को इस तरीके से कॉम करते हुए सामने की तरफ लेके आना और फेस को सीधा रखना है, नीचे डाउन करके नहीं रखना है, हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के रखें ताकि कॉम करते हुए बने और मेज़र करते हुए बने। इस तरीके से बीच में रखते हुए देखें ग्रिप कैसे करना है, फिंगर के बीच में अच्छे से रखें। नीचे से स्टार्ट करना है, तिरछा कट करते हुए गाइडलाइन के साथ मिक्स कर देना है। तो ऊपर में आपके पास गाइडलाइन है और वहीं पर जाके आपको नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ चले जाना है। फिनिशिंग अच्छे से देंगे। अब पीछे वाले हेयर को भी इस तरीके से देखिए, गाइडलाइन के साथ मिक्स करें, अच्छे से कॉम करते हुए सामने के साइड लेके आना है। फेदर लेज़र लेयर, ये तीनों कटिंग का मेजर डिफरेंट मैं आपको हमेशा से बताते आ रही हूँ कि फेदर कट में हेयर को एकदम सामने लाना होता है, लेयर कट में पोजिशन बीच में रखनी होती है हेयर की, और लेज़र कट में शोल्डर से टच करते हुए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बीच में हेयर को रख रही हूँ इस तरीके से, ये पोजीशन है लेयर कट की। और ये है इनका लास्ट वाला हेयर, नीचे से सिर्फ और सिर्फ 1 इंच के लगभग इनका हेयर कट हुआ है और ये एक साइड का डन हो चुका है। चलिए अभी हम दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं ऐसा क्लच कर दूंगी ताकि फेस पे हेयर ना आए। तो इस तरीके से देखिए सेक्शन को अच्छे से डिवाइड करना है, सामने की तरफ लाना है कॉम करते हुए। और ये कटना अगर किसी का हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की, बहुत ही स्ट्रेट क्वालिटी का है, उनके बालों के लिए भी बहुत ही परफेक्ट रहता है, तो ऐसा वाला कट आप करके दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बैक से आप स्टेप्स वगैरह ना डाल के लेयर कट आप कर दें। अब लेयर कट में आप फेदर लेज़र लेयर रिवर्स लेयर बटरफ्लाई लेयर ऐसे कट करके दें, बहुत अच्छा दिखता है। लेयर कट बोलने से बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मैंने शेयर किए हुए हैं। अगर आपको सीखना है हर तरीके से लेयर कट करना, तो आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा, आपको ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको हेयर की क्वालिटी के हिसाब से सारी वीडियोस मिलेंगी। इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से हेयर क्वालिटी पर आप कैसा कटिंग करके दें। ये देख सकते हैं आप, नीचे से स्टार्ट की ऊपर में जाके मिक्स कर देना है। अब इस कट में आप जितना चाहें हेयर लेंथ
को बचाने के लिए आप तिरछा से तिरछा कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप में तिरछा कट करते हुए ऊपर तक जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बैक साइड में हेयर को रखोगे ना, हेयर अगर मीडियम है थिकनेस वाइज तो वो और ज़्यादा पतला सा दिखेगा। इसलिए तिरछा कट करो, बट मीडियम तिरछा, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं, क्योंकि हमें हेयर को कटिंग करने के बाद उसमें अच्छा घना लुक देना होता है। अगर बहुत डीप डीप में तिरछा सा कट कर दोगे तो वो पतला सा दिखेगा। तो ये हो गया है दोनों साइड का डन। उसके बाद में कर देंगे साइड बैंक्स कट। तो साइड बैंक्स के लिए ए लाइन क्रिएट करते हुए हेयर को लेना होगा इस तरीके से। और गाइज, मेरा सेल्फ हेयर कट वीडियो भी जल्दी अपलोड हुआ है, वोल्फ हेयर कट मैं सेल्फ में बताई हूँ, ज़रूर देखना। बहुत ही प्यारा सा कटिंग हुआ है और उस कटिंग को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से देख के सीख सकें इजिली खुद के बालों पे कैसे कटिंग करें। तो यहाँ पे देखिए, ए सेक्शन डिवाइड करते हेयर को ले रही हूँ मैं। इनसे पूछ रही हूँ कि कैसा चाहिए, मीडियम शॉर्ट? तो बोली नहीं मीडियम, ज़्यादा शॉर्ट मत करिएगा वरना फेस पे आएगा, क्योंकि ये भी वर्किंग है, टीचर हैं, तो फिर पूरे टाइम फेस पे हेयर रहना भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए, हेयर को ऊपर ले जाके ट्रिम कर देना है और कटिंग हो जाएगी डन। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि प्रोफेशनल से प्रोफेशनल हेयर कट भी मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझा सकूँ, और मैं हर तरीके का हेयर कट वीडियो अपलोड करते भी रहती हूँ बहुत ही ईजी वे में, ताकि आप सीख सकें अच्छे से। तो ये फ्रंट से हो गया है कंप्लीट। अब उसके बाद में बैक साइड में हेयर को ले जाके हल्की सी फिनिशिंग दे देंगे, ताकि हेयर नीचे नीचे से और अच्छा सा दिखे शेप में। तो इनको मैं लुक दिखा रही थी कि कुछ इस तरीके से लेयर ऐड हुए हैं आपके बालों में, तो बोली हाँ ठीक है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब हेयर को देख सकते हैं बैक साइड में, जब मैं लेके आऊँगी तो आप इसका शेप देखिएगा, नीचे से पूरा एकदम अच्छा खासा शेप आ चुका है। अगर आप चाहें तो इतने पे ही छोड़ सकते हैं बालों को, लेकिन अगर आप फिनिशिंग दे देते हो नीचे नीचे से तो हेयर कटिंग का लुक और भी ज़्यादा फाइन लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब होता है जब हेयर की लेंथ बढ़ने लगती है ना, तब भी वो अच्छा लगता है, वरना फिर जैसे डेढ़ दो महीने के बाद हेयर की ग्रोथ बढ़ती है तो फिर नीचे से हेयर और अजीब सा दिखेगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप हल्का सा नीचे से उसको शेप दे दें। जो कटिंग का शेप आ चुका है उसी शेप में उसको ट्रिम करना है, सेंटर पार्ट्स को बराबर और साइड वाले हेयर को हल्का सा तिरछा तिरछा सा, और जहाँ का हेयर है उसको वहीं पर उसी जगह पर रख के कट करें। जैसे शोल्डर के पास का हेयर तो शोल्डर के पास, कान के पास का हेयर तो उसको शोल्डर के सामने की तरफ ले जाके कट करें। तो जो भी आपने लेयर कट डाला हुआ है फ्रंट से वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। फिनिशिंग देना मतलब फिनिशिंग देने जैसा ही करना, आपको एक्स्ट्रा लेंथ नहीं कट कर देनी है। अगर आप बहुत शॉर्ट करके बैक से फिर कट करोगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि शेप गड़बड़ हो गई। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फिनिशिंग देने का काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे ब्लो ड्राई स्किप कर रही हूँ, क्योंकि अभी जल्दी ही मैंने ब्लो ड्राई की वीडियो अपलोड की हुई, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं प्रोफेशनल टेक्निक के साथ साथ, मैंने बेसिक और इजी टेक्निक्स भी बताई हुई हैं, तो इससे आप अच्छे से सीख पाएंगे कि ब्लो ड्राई अलग अलग तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे उनमें से वो प्रोसेस आप फॉलो करें। तो अभी के टाइम पे क्या रहता है कि जितने भी क्लाइंट आते हैं, मैं डेली हेयर कट करती हूँ, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लंबे वालों को शॉर्ट करवाते हैं। सबका ये रहता है कि हेयर मेरे छोटे नहीं होने चाहिए, बस आपको इसमें अच्छा कटिंग करके देना है, ज़्यादातर लोगों का यही कहना होता है। तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं आप लोगों के साथ में रियल क्लाइंट का हेयर कट शेयर करती हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। काम आप तभी अच्छे से सीखोगे जब आप रियल वर्क देखोगे। मैं कोई ऐसा मॉडल बैठा के काम करके नहीं दिखाती हूँ, जो भी रियल हेयर कट होता वही दिखाती हूँ, और रियल देखोगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो देख सकते हैं ब्लो ड्राई करने के बाद का फाइनल लुक। और मैंने इनके बालों पे ना वही क्लिपिंग वाला सेटिंग किया हुआ है, 2 से 3 क्लिप लगा के छोड़ दी थी, और इजिली इनका हेयर, तो क्लिप से भी इनका हेयर देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है। क्लिपिंग वाला हेयर सेटिंग का वीडियो भी जस्ट मैंने जल्दी ही अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा।
तो बैक साइड से उनके इनके बालों का लेंथ देख के आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना कम कम कट किया हुआ है। पूरे बाल अच्छे लॉन्ग दिख रहे हैं इनके, और फुल लेंथ अच्छे से हैवी हैवी साइज में स्टेप्स भी ऐड हो गया है। तो वैसे तो मैं पूरा डिटेल प्रोसेस अच्छे से शेयर की हूँ, कुछ भी स्किप नहीं की हूँ, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखा दी हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करोगे तो जो लोग भी अभी न्यू हैं, सीख रहे हैं, वो इजीली इस कटिंग को सीख पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिनको अपना हेयर कट ऐसा लेना है तो वो आसानी से अपने बालों पे प्यारा सा कट ले पाएंगे बिना अपनी लेंथ को शॉर्ट करवाए। तो अगर आप लोगों को ये हेयर कट वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सकें। चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।